डेल ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है अपनी ऑप्टीप्लेक्स 7070 पीसी सीरीज को। और यहाँ पे जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये जो पीसी की सीरीज है, यहाँ पे जो सीपीयू होता है वो डेस्कटॉप के साथ एक स्टैंड से अटैच हो जाता है, और जो यहाँ पे ATX फैक्टर होते हैं वो काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, और यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस होती है वो काफी पावरफुल होती है। तो इसे अभी हाल ही में डेल ने इंडिया में लॉन्च किया है, और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि डाटा रिसर्च में ज्यादा है, और जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या फिर जो मीडियम साइज की फर्म्स होती हैं, जहां पे बहुत बड़े नेटवर्किंग की काम होती है और बहुत ही बड़े लेवल पे काम होता है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज की जो बैंकिंग होती है, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज होती है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सर्विस होती है जिसे बेसिकली हम ITES सेक्टर बोलते हैं, तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए या फिर मैं ऐसा बोलूं कि उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया हुआ पीसी है जहाँ पे स्पेसिफिकेशंस काफी टॉप नॉच है और कॉम्पैक्ट भी है और ज्यादा बेटर एफिशिएंसी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको i3 से लेके i9 तक की सीरीज जो है वो 8 और 9 जनरेशन की सीपीयू मिलेगी इसमें, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे जो रैम होंगे वो 4GB से लेके 64GB तक हो सकते हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। हालांकि ये आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, इसे लोग घर पे भी यूज कर सकते हैं, और काफी छोटे फर्म्स भी होते हैं उनमें भी जरूरत पड़ती है ऐसी चीजों की, इनफैक्ट कुछ स्कूल्स में भी जरूरत पड़ सकती है, तो इसे किसी इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करना सही नहीं रहेगा। हालांकि ये काफी कमाल की चीज है जहां पे बेसिकली अगर आप ऐसे देखो तो आपको सीपीयू दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सामने स्क्रीन दिखता है और उसके पीछे जो सीपीयू है उसे काफी अच्छे से कॉम्पैक्ट ATX फैक्टर में यहाँ पे अटैच किया गया है, और ये एक तरीके से एप्पल के पीसी को थोड़ा रिजेम्बलेंस देता है, लेकिन ये उससे काफी अलग है क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो कुछ खास है नहीं, और इनफैक्ट इस फैक्टर में ग्राफिक्स ऐड कर भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स होंगे या फिर जो भी ऑपरेटर्स होंगे वो मैक्स टू मैक्स जो इंटेल का इनबिल्ट ग्राफिक्स होता है उसी को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे इसे आप डिस्प्ले पोर्ट इसमें काफी सारे दिए गए हैं नेटवर्किंग के लिए, लेकिन अगर कोई इसे प्रोडक्टिविटी इन द सेंस ऑफ एनिमेशन और वीडियो या फिर गेमिंग के लिए लेना चाहे तो ये उतना कारगर नहीं होगा और उतना कुछ खास होगा नहीं इसमें। यहाँ पे जो इसकी रेंज है वो अगर आप डेल के वेबसाइट पे देखो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ये करीबन 45,000 से शुरू होती है और 55,000 पे जाके खत्म होती है, और इसी में कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पे सिर्फ आपको हार्ड डिस्क मिलती है, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पे आपको M.2 का सपोर्ट भी मिल जाता है और SSD भी मिल जाती है। तो आप जाके अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो कि आपको किस प्राइस पॉइंट में क्या मिलता है। तो ये थी ऑप्टीप्लेक्स की 7070 की बिजनेस डेस्कटॉप या फिर आप इसे पीसी जो बोलो। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या आप इंटरेस्टेड है ऐसी पीसीज में और ऐसे डेस्कटॉप में, और क्या लगता है आपको कि यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं है तो क्या फिर भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, हालांकि ये एक अलग सेगमेंट के कंज्यूमर्स को टारगेट किया जा रहा है तो शायद ये कमाल का हो भी सकता है। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।